तो हम रेडी हो गए हैं और जल्दबाजी में 10 मिनट में जैसे रेडी हो पाई रेडी हो गई, और इसको भी तैयार करना था। और हर्षी के पापा भी अभी अभी ऑफिस से आए हैं, तो आप सोच रहे होंगे हम कहाँ के लिए रेडी हुए हैं। तो हम रेडी हुए हैं, आपने आंटी को देखा होगा, बुंदेला आंटी जो मेरे साथ पूजा करती हैं, व्रत वगैरह जो हमारे साथ में रखते हैं, साथ में पूजा करते हैं। घर के सामने वाले क्वार्टर में रहते हैं वो, तो उनकी बेटी का है इंगेजमेंट होली फंक्शन, और तो हम वहीं जा रहे हैं, और वहीं पे कुंडेश्वर में है, तो वहीं पे हम भगवान जी के दर्शन करेंगे और फंक्शन अटेंड करेंगे। लॉक लगा दो। और ऑफिस टाइम में निकले हैं तो बराबर फोन भी आते जा रहे हैं। फंक्शन 12 बजे से शुरू होना था, लेकिन जो लड़के वाले हैं वो काफ़ी देर से आए यहाँ पर, तो फंक्शन लेट शुरू हो रहा है। और चलिए, हमें भी थोड़ा मौका मिल गया, और हर्षन भी थोड़ा देर आराम कर लिया था। तो अब ये भी परेशान नहीं करेगा, तो चलिए चलते हैं, फंक्शन अटेंड करेंगे। तो हम यहाँ आ गए हैं, अब ये देखने गए हैं कि कहाँ पे हैं आंटी जी लोग, तो फिर हम वहीं जाएंगे। और ये होटल है सूर्य होटल। बाइक में सारे बाल उड़ गए। प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, तो हमने सोचा पहले महादेव के दर्शन कर लेते हैं, फिर फंक्शन अटेंड करते हैं। और निधि अभी पार्लर से आई नहीं है, तो क्या करेंगे वहाँ बैठ के। आंटी जी लोगों का भी पता नहीं है कहाँ गई हैं, तो हम जा रहे हैं मंदिर, पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ही फंक्शन अटेंड करेंगे। तो आ गए हैं हम मंदिर दर्शन करने। पूरा चंदन बह गया, फूल लाल लाल। चलो गया शुरू, बैंड बाजे की आवाज आ रही है, तब तक हमने मंदिर में दर्शन भी कर लिए। लड़की अभी होली के लिए बैठी है, उसके पहले हम मिल नहीं पाए थे, कोई नहीं फिर मिल लेंगे। फंक्शन चल रहा है और अचानक से बारिश आ गई। कहते हैं जब कोई शुभ काम होता है तो बारिश आ जाती है, भले ही वो 4 बूंद बारिश आ जाए तो काम सफल माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बारिश थोड़ी देर के लिए हुई थी, पहले हल्की हो रही थी, फिर एकदम तेज़ हुई, फिर शांत हो गई थी। खाना खाते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुई,
चलो अच्छा है, ये शुभ क्या कहते हैं ना कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया अपना भी इस रिश्ते के लिए, तो बहुत शुभ होता है। तो काफ़ी ठंडक भी हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी, तो बारिश की वजह से ना थोड़ा ठंडक भी आ गई थी बढ़िया से, और हवा भी चलने लगी थी, तो गर्मी तो गायब हो गई फिर। इधर देखो, गोल्डी बहुत सुंदर लग रही है, गोल्डी ड्रेस पहना हुआ है। और दीदी कहाँ पर हैं? दीदी अंदर हैं, और हर्षु दीदी को देख के पहले गोदी में चढ़ गया। पहचान गए दीदी को? हाँ पहचान गया दीदी को। ओली का फंक्शन हो गया है तो सब पवन रूम में आ गए हैं अंदर, लड़कियां सब फोटो सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्टाइल मार रहे थे। और निधि बैठी हुई है, दूसरी अभी ड्रेस पहनेगी इंगेजमेंट के लिए, तो अभी वो थोड़ा रेस्ट कर रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस और आधी ये पढ़ाई हो गई है और आधी उस टाइम में शादी हो जाएगी, वैसे आजकल हमको पढ़ाई होती नहीं है, है ना। और इंगेजमेंट होने वाली होली हो गई है, आपने देखा नहीं थी, बस सब खुशी की तैयारी कर रहे हैं, बस यहाँ पे अभी बुलाया था दूल्हे राजा से बैठूँ, अभी दिखाई तो नहीं दे रहा, अभी नहीं बैठा है तो अभी टाइम है, बस अभी इंगेजमेंट होगा। और टाइम कितना हो रहा है? 8 बज रहा है, थोड़ा देर और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट होगा, तो आप आगे देखेंगे। अभी सब यहाँ फोटो सेशन पे लगे हुए हैं हम लोगों के साथ साथ, अरे नहीं भारी है, सुनो सुनो एक वीडियो बना दो, सब फोटो बना रहे हैं। खा रहे हैं, ले रहे हैं खाना, और मैं पहले खा चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, और हर्षु भी सो गया था तो ये बेटू को लेके बैठे हुए थे, सो रहा था और बेटू को लेके बैठे हुए थे तो मैंने खाना खा लिया, अब ये खा रहे हैं तो मैंने हर्षु को ले लिया है। हाँ हाँ अभी मैं गाजर खा रहा हूँ, बता दो, गाजर खा रहा हूँ, फिर अभी थोड़ा सा खाना खिला देंगे, ठीक है। सबका खाना हो गया है, इन्होंने अभी अभी शुरू किया है खाना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो हम यहाँ खुले में बैठे थे, थोड़ा हवा भी लग रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये बस अब इनका कुनकुनाना शुरू हो गया है, और अभी इंगेजमेंट का फंक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, काफ़ी लेट हो गया है हर फंक्शन,
और घर जाने में लेट हो जाएगा, तो अभी थोड़ा देर वेट करते हैं। अगर फंक्शन अभी स्टार्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि बेटू के साथ आज रात में फिर थोड़ा सा सही नहीं रहेगा इसलिए। तो अभी हमें 10 मिनट आए हुए हो गए, बहुत थकान हो गई है, मेरे तो शोल्डर्स पेन हो रहा है। एक साड़ी पहनने की आदत है नहीं, और कभी पहननी पड़ जाती है ना तो ये एकदम जोर सा पड़ता है स्ट्रेस, तो ये दुख रहे हैं। और सारे फंक्शन अच्छे से कंप्लीट हो गए और हम आए हैं 10:30 बजे, नहीं 10:45 समथिंग बज गया था आई थिंक। और चौरसिया जी की बेटियाँ भी गई थी फंक्शन में, तो हमें साथ में ही आई हैं। फंक्शन सब अच्छे से हो गया और अब तो बहुत नींद आ रही है, तो मैंने तो हाथ मुँह धो लिया है और हर्षो भी घूम रहा है, तो उसको भी अभी मुँह इन्होंने धुला दिया है। तो अब हो गया है सोने का टाइम, तो हाँ बीच बीच में आवाज़ देता जा रहा है। वेरी गुड नाइट, बाय बाय, आप सभी को शुभ रात्रि।